किसने कहा था आपको उत्तराखंड जाने को? नहीं देखिए ऐसा होता है कि आप अभी भी उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हैं? जी हाँ मैं अभी भी सक्रिय हूँ। पुष्कर सिंह धामी की सरकार आपसे सलाह करती है? अगर भारतीय जनता पार्टी आपको ये निर्देश देती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको पौड़ी गढ़वाल से पर्चा भरना चाहिए, तो क्या आप इसके लिए प्रस्तुत होंगे? हाँ बिल्कुल, देश ऊपर जा रहा है, हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, हिंदुस्तान दो अमृत काल आ चुका है, हम 2100 साल की आजादी होगी। उसी अमृत काल में कई लोग ये भी कहते हैं कि वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, नेताओं पे ईडी के छापे होते हैं और जैसे ही नेता भाजपा में आ जाते हैं सब ठीक हो जाता है, तो इस अमृत काल में भी मतभेद हैं विद्वानों के बीच। हाँ और वो और देखिए जो एक 2017 में द वायर में आपके ऊपर स्टोरी आई थी, इसमें इल्जाम लगाया गया कि जूनियर डोभाल यानी कि आप और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव द्वारा चलाए जाने वाले इंडिया फाउंडेशन के निदेशकों में रक्षा मंत्री हैं, वाणिज्य मंत्री हैं, दो राज्य मंत्री हैं, संघ के कद्दावर नेता हैं, कारोबारी हैं जिनके प्रभावशाली पिता प्रधानमंत्री कार्यालय में हैं और इससे सांस्थानिक वजन मिलता है और एडवांटेज मिलता है। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस जो वो कह रहे हैं? उनका जो चार्ज था यही हमें नहीं समझ आया, अंग्रेजी बहुत थी। पैसा कहाँ से आता है और कहाँ खर्च होता है? दूसरा उन्होंने इस रिपोर्ट में कहा कि आपको जो विदेशी रक्षा कंपनियां हैं उनसे बहुत स्पॉन्सरशिप मिलती है। मुझे भी नहीं पता किस विदेशी कंपनी की, जैसे उन्होंने बोइंग जैसी विदेशी रक्षा और विमानन कंपनी की बात की, इजरायली फर्म मागल की बात की, किसी चीज़ पर किसी कंपनी पर जाँच चल रही है, संबंधित मंत्रालयों के मंत्री किसी फाउंडेशन से जुड़े हैं, वो कंपनी उसको स्पॉन्सरशिप कर रही है, तो ये लगता है कि आपके साथ एक नाइंसाफी हो रही, क्योंकि आपके पिता एक बड़े पद पर बैठे हैं तो आप कुछ भी अचीव करते हैं तो ये मान लिया जाता है कि अजीत डोभाल जी की वजह से। एक थिंक टैंक ऑलरेडी था तो संघ के विचार परिवार में क्या सोचती कि एक और इंडिया फाउंडेशन शुरू किया? ये तो वही बताएंगे। ये तो अच्छी बात होगी ना भाई, आप किसी में यकीन करते हैं, आपने उसकी मदद की, दर्शक कहेंगे कि बता नहीं रहे। सब कुछ हुआ, सब कुछ हो रहा था, सब लोग कह रहे थे देश डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, और फिर वही लोग वापस आ गए। तब मुझे लगा कि साहब अब बस बहुत हो गया, अब मैं ये यहाँ लंदन बैठ के इसको ये नहीं कर सकता, मुझे कुछ तो करना है। तो अब मैंने कहा कि साहब मैं तैयार हूँ। मोहन भागवत से बात हो रही थी आप? नहीं नहीं, मेरी उनसे बात नहीं हो रही। अब मुझे देखिए, आप नाम बता नहीं रहे हो, तो मैं फिर ऊपर से गिनवाना शुरू करूंगा ताकि कहीं तो आप पॉज लो तो दर्शकों को क्लू मिले। नहीं नहीं, 2019 की कौशल श्राफ की बायलाइन से कैरवन की रिपोर्ट है, एक मुकदमा आपकी तरफ से किया गया है मानहानि का। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डोभाल के बेटों की फर्जी कंपनियों का जाल, इसमें इल्जाम लगाया गया है कि आपके भाई विवेक वो केमैन आइलैंड में हेज फंड चलाते हैं, और उसके बाद एक लंबा सिलसिला है कि किस तरीके से आप लोगों के व्यापारिक हित जुड़े हुए हैं और ये कैसे कन्फ्लिक्ट पैदा करता है। फिर आप कोर्ट में गए, क्या हुआ कोर्ट में? उनको एक सबक सिखाना चाहिए। केमैन आइलैंड से 2017 के बाद भारत में प्रत्यक्ष पूंजी निवेश यकायक बढ़ गया। वो केमन आइलैंड से नहीं आएगा तो कहीं अफ्रीका से आएगा। आप कितने बरस रहे पाकिस्तान में, कहाँ कहाँ रहे, क्या पढ़ाई हुई, जरा वो बताइए। करीब 6-7 साल रहे और बेसिकली इस्लामाबाद में थे। वहाँ पे जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, फॉर एग्जांपल उनको ये बताया जाता है कि उनकी जो हिस्ट्री है वो सिर्फ 1947 से शुरू हुई है, उससे पहले वो हर चीज को इग्नोर करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीत के आते हैं। इट कैन बी द बिगनिंग ऑफ अ लॉन्ग डिबेट, क्योंकि आपने कॉमनवेल्थ के मेडल्स का जिक्र किया, मेरे सामने जंतर मंतर पर धरने में बैठे पहलवानों की शक्ल। वो अलग विषय है।